नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपके नाम का भाग्य अब लिख चुका है और विधाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता है। आपकी जानकारी में बता दें कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा और दुख का नाम और निशान ही मिट जाएगा। इसमें आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन नजर आने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ ही आपके दुश्मन की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में दोस्तों खुशियों की नदियाँ बहने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही साथ बता दें दोस्तों, हर कार्य में आपकी सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों बता दें कि आपको बता दें कि किसी ने पूछा कि कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे। दोस्तों बता दें, किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि अपना कभी भी छोड़कर नहीं जाता है और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता है। दोस्तों जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लग जाएं और दोस्तों दुख के बाद में भी आप मुस्कुराना सीख लें तो समझ लीजिए कि आपको जीवन जीने का बेहतर तरीका आ गया है। याद रखें कि कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह थोड़ा झुकती है। ज़िंदगी का नियम भी यही होता है, जो झुकता है और वही पाता है और वही इंसान ज़िंदगी में आगे भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आपका राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों आपका कोई काम यदि अधूरा है तो किसी शुभचिंतक की मदद से वह आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को आपको बेहतर बनाने का प्रयास काफ़ी सफल रहेगा। क्रियात्मक कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहने वाले हैं तथा दोस्तों दिन भर की व्यवस्था के कारण थकान थोड़ी हावी रहेगी। आज दोस्तों आप लोगों को बता दें, रिश्तेदारों को व्यक्तिगत मामलों में आप ना उलझें वरना आप किसी बड़ी दुविधा में किसी तरह से फंस सकते हैं जिसका असर परिवार पर पड़ेगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें, कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों आपकी लापरवाही से कर्मचारी काम पर ध्यान नहीं देंगे। नई योजनाओं के क्रियान्वित करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अवश्य कर लें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। आपसी सामंजस्य बना रहेगा, यहाँ तक कि संबंधों का प्रभाव भी आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकता है। कभी कभार आपकी दोस्तों विचलित मानसिकता का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। अच्छी संगति में रहें और तथा प्रगति के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों चमत्कारी अद्भुत असर आप लोगों के जीवन में देखने को मिले। इस समय पर दोस्तों जो ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है उसी दोस्तों उसे देख करके आप भी यही कहने वाले हैं कि ईश्वर की लीला केवल अपरंपार ही नहीं चमत्कारी भी है। ईश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं सदैव अच्छे के लिए ही करते हैं क्योंकि दोस्तों जो आपका भाग्योदय है वह पूरी तरह से चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बहुत ही नसीब वाली हैं जो दोस्तों 36 राजयोग एक साथ साथ आपकी कुंडली में और दोस्तों ईश्वर की कृपा भी प्राप्त हो रही है। दोस्तों अब आप और आपके ईश्वर का पूरा आशीर्वाद बनने वाला है। बल्कि दोस्तों एक दो देवी देवता नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का आप लोगों को पूरा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिसके कारण आप अपने जीवन में दोस्तों कई सारी परेशानियों से निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यदि आप भी कुबेरदेव महाराज का ज्ञान पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप अपने जीवन में वन मुताबिक दोस्तों लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस समय पर दोस्तों आपको बता दें, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, अध्यात्म की ओर भी उन्नति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे अन्य गिनत आपके जीवन में नए और बड़े परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं उसे दोस्तों कोई भी देख करके हैरान हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ ऐसा खास और खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है जिसे देखने के बाद में लोग आपसे जल जाएंगे। दोस्तों आपके दुश्मनों की तो आप दोस्तों पूछो ही मत क्या हाल होगा क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों के साथ में अब ऐसा होगा कि वह अपने घर में जाने के बाद आपकी तारीफ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, लेकिन इस समय पर आपका दोस्तों कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो तो दोस्तों उस व्यक्ति का कोई बाल भी बाका क्या ही कर पाएगा। दोस्तों उसके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता है और ऐसा समय दोस्तों सबके जीवन में नहीं आता है। दोस्तों जो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं केवल उनके जीवन में ही ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और ऐसे में दोस्तों आप सदैव
ईश्वर की नजर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ईश्वर भी आपके जन्म की परीक्षा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जब खुश रहते हैं तो ऐसी बड़ी खुशी देते हैं जो दोस्तों सबके नसीब की नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, आइए आगे इस वीडियो में अब हम जानते हैं कि आप लोगों को इस समय पर कौन से कार्य किन किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दोस्तों कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी ये समय कैसा व्यतीत होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय गौ माता अवश्य लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन काल में दोस्तों आपको ईश्वर के आशीर्वाद से भरपूर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बस दोस्तों, कभी घमंड न दिखाएं और दोस्तों कभी भी किसी का अपमान ना करें। देवी देवताओं की आराधना दोस्तों हमेशा स्वच्छ मन से करें व दोस्तों खुद भी स्वच्छ रहें। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि परिवार के सभी लोगों को आपको यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रही हैं कि उसमें आपको उनकी सपोर्ट की आवश्यकता है। यूं कहें तो दोस्तों, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार का यदि सपोर्ट चाहते हैं, ये जानकारी दोस्तों आप अपने पूरे परिवार को जरूर दीजिए। उनका सपोर्ट भी दोस्तों आप लोगों को अवश्य मिलेगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागना नहीं है और आप अपने बड़े बुजुर्गों की उम्मीदों पर भी खड़ा उतर सकते हैं। किसी भी प्रकार से दोस्तों आप उनका नाक ना कटाएं, यूं कहें तो दोस्तों उनके सर को कभी भी झुकने ना दें। ये आपके जीवन काल में सफलता की ओर आपको अग्रसर करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। पर दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सुबह उठने के समय ना नहीं बजानी है। दोस्तों, आप लोगों को 9 से पहले ही जल्दी उठ जाना है। इसके साथ ही साथ उठकर स्नान करके निर्धवत्य होकर ईश्वर की आराधना करनी है, उनका स्मरण करना है। जी हाँ दोस्तों, तभी आप लोगों को मेहनत और परिश्रम आपके हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य विस्तार संबंधी योजनाएं कार्य पूर्ण तरीके से प्रणीत होने वाली हैं। एक बार उस योजना का पुनः परीक्षण अवश्य करें। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में कुछ हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं, परंतु बुद्धिमता व विवेक से आप सभी परेशानियों का भी निवारण आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, आज का दिन करियर संबंधी काफी अच्छा दिन रहने वाला है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, तो उन लोगों को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। मनचाहे नौकरी उनकी प्राप्त हो सकती है। आपको बता दूं कि जो ग्रह स्थितियां हैं, वे आप लोगों के लिए मनचाही नौकरी प्राप्ति के योग बना रही हैं। हालांकि मनचाही नौकरी किसी न किसी माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं से अवश्य मिलेगी। बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, तो जो भी नौकरी से संबंधित मौका मिले उसे हाथ से ना जाने दे, अवश्य ही सफलता आपके हाथ लगेगी। इसके साथ बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, दोस्तों बताऊं, ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियों से आज आप लोगों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। नियमित रूप से आप अपना मेडिकल चेकअप आदि करवाते रहें। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बुरी आदत व बुरी संगत से आप दूर ही रहें। इसकी वजह से दोस्तों आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो सकता है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप नियमित रोग और आप परिणाम का सहारा लें, आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही साथ बात करूं आपके लिए भाग्यशाली अंक के बारे में, तो दोस्तों बता दूं, भाग्यशाली अंक रहेगा आपके लिए 9 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है दोस्तों भूरा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ब्राह्मण की दुआएं आपके साथ में रहने वाली हैं। दोस्तों, ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। विद्यार्थियों को इस समय पर मासिक भोज्य से छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, जिन लोगों की परीक्षा हो चुकी है, वे फिर मौज मस्ती करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने नानी के घर भी घूमने जा सकते हैं। इस समय पर दोस्तों आपको ससुराल पक्ष की तरफ से नया सम्मान मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपके विरोधी आपके बनते कार्यों में रोड़ा अटकाने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी छवि को लोगों के साथ में नकारात्मक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस बात का जरा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इस समय दोस्तों आपके लिए कुछ प्रसन्नता बनाने वाला रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसके बारे में शायद आपने सपने में ही सोचा होगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपका कोई मित्र इस समय पर आपसे धन उधार मांगने के बारे में सोचता है तो आप उसे नजरअंदाज ही कर दें। इसके साथ ही साथ व्यवसाय कर रहे जातकों को भी किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी करनी पड़ सकती है अपने व्यवसाय के लिए। नौकरी में भी दोस्तों कार्यकर्ता लोगों को भी अधिकारी के द्वारा उन्हें प्रशंसा सुनने को मिल सकती है। तो दोस्तों यदि आपको आपका राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत